नाटकबाजी जुमलेबाजी वे गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवा हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक उन्होंने लगभग एक चौथाई हिस्सा कार्य भी पूरा नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यह इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धन्ना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा माला माल व धनवान आदि बनाने में तथा उन्हें हर स्तर पर छूट देने में व बताने में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉम की अभी हाल ही में आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण ही कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार ने शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं, जबकि यूपी में चार बार हमारी पार्टी के लिए सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस की सरकार के कारण वर्तमान भाजपा सरकार ने भी इनकी जातिवादी हीन संप्रदाय एवं पूंजीवादी सोच रणनीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों दलितों आदिवासियों पिछड़े वर्गों मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व्यवधान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक भी वर्तमान बीजेपी के सरकार के दौरान भी ये पूरा नहीं भरा जा सका है, विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इसके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक
इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की भी हालत हमें कुछ खास अच्छी नजर नहीं। इनके गलत कृषि नीतियों के कारण ही आर्थिक नीतियों की वजह से ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी लगातार काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक भी कम नहीं हुआ है, साथ ही अपने देश की सीमाएं भी अभी तक पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है, ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में आप लोगों को देश में हो रहे इस समय देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है, जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के शाम दाम आदि अन्य को हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी पूरी कोशिश में लगी हुई, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे भी अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न ग्रुपों में जारी किए गए इनके हवा हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी पार्टी के लोगों को कतई नहीं आना है। ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं। और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है, यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है।